नमस्कार, मैं हूं अशोक मिश्र और इस समय मैं मौजूद हूं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज की राजनीति में दो बड़ी खबरें हवा में तैर रही हैं। एक तो यह कि कल यानी 15 जून को गोरखपुर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात होगी। अब इस मुलाकात को लेकर के राजनीतिक क्षेत्र में राजनीतिक उसमें कई बातें चल रही हैं। जो भी बातें हैं इस समय मीडिया में, वो सब संभावनाओं पर निर्भर हैं। कल योगी आदित्यनाथ और मोहन भागवत की मुलाकात किस मुद्दे पर होगी, क्या बातें होंगी, ये अभी भविष्य के गर्भ में है। जो भी बातें आज मीडिया में चैनलों पर चल रही है, वो एक कयास है। कयास इस बात का लगाया जा रहा है कि मोहन भागवत आने वाले दिनों में राष्ट्रीय राजनीति में योगी आदित्यनाथ को आगे कर सकते हैं। अब अगर आगे करेंगे तो स्वाभाविक है कि वो राष्ट्रीय राजनीति में उनको लाया जा सकता है। दोस्तों, ये बात तो तय है कि भाजपा और आरएसएस के संबंध पिछले काफी दिनों से मधुर नहीं है। इस बात का अनुमान तब लगा जब नागपुर में आरएसएस कार्यकर्ता विकास वर्ग के समापन समारोह में मोहन भागवत ने कुछ ऐसी बातें कही जो सीधे सीधे राजनीति पर तो नहीं थी, राजनीतिक दलों पर नहीं थी, भाजपा पर नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को जो कहा उसके निहितार्थ जरूर राजनीतिक निकाले जा रहे हैं। माना यह जा रहा है कि सीधे सीधे उन्होंने भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी की थी। हालांकि आज जो मीडिया में आया है उसमें कहा गया है कि मोहन भागवत ने जो उस समय टिप्पणी की थी कार्यकर्ताओं के समारोह में, समापन समारोह में, वो राजनीतिक दलों पर नहीं थी, वो कार्यकर्ताओं को समझाने के लिए थी। लेकिन उन्होंने कहा था कि जो भी राजनीति में होता है, जो भी किया जाता है, मैंने किया, ये अहंकार किसी को नहीं करना चाहिए। जो कुछ भी कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ, मैंने किया, ऐसी बातें एक जो सेवक होता है वो नहीं कहता है। दूसरी चीज, आरएसएस के ही मार्गदर्शक कमेटी के सदस्य डॉक्टर इंद्रेश कुमार का एक बयान आज वायरल हो रहा है। उसमें उन्होंने कहा है कि भाजपा अपने अहंकार की वजह से हारी। भाजपा को अहंकार हो गया था कि मुझे कोई हरा नहीं सकता, इसलिए उसने अहंकार में चुनाव लड़ा। उसकी जो भी गतिविधियां रही वो अहंकारी प्रवृत्ति की रही, इसलिए वो चुनाव हार गए। हालांकि इस बयान पर भी जो है आरएसएस की तरफ से कहा जा रहा है, ऐसा माना जा रहा है कि उसने कहा है कि यह इंद्रेश कुमार का निजी बयान है, आरएसएस का बयान नहीं है। लेकिन ये सच है, ऐसा लोग मानते हैं राजनीतिक तौर पर, कि इस बार जो भाजपा को करारी शिकस्त मिली है उसमें कहीं ना कहीं आरएसएस और उसके कार्यकर्ताओं की अरुचि जरूर रही। कार्यकर्ताओं ने आरएसएस की रुचि नहीं ली, जिसकी वजह से भाजपा कई सीटों पर, उत्तर प्रदेश में भी और महाराष्ट्र, गुजरात और बिहार, इन जैसी जगहों पर हार गई। उसका कारण यही था। अब जब कल यानी 15 जून को मोहन भागवत और
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब मिल बैठेंगे तो एक अनुमान है कि इस बैठक में, इस मुलाकात में वे उत्तर प्रदेश में भाजपा की हार की समीक्षा करेंगे। वो ये देखेंगे कि कहाँ कौन सी गड़बड़ी रह गई, किन किन वजहों से भाजपा को हार झेलनी पड़ी। उसके साथ साथ ये भी माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की हार के पीछे यह भी कारण रहा कि भाजपा ने आरएसएस के सुझावों पर ध्यान नहीं दिया। कहा यह जा रहा है कि जब चुनाव घोषित हुए थे तो उस समय भाजपा को आरएसएस ने कुछ सुझाव दिए थे, कई सीटों पर, वो उत्तर प्रदेश में लगभग 10 से ज़्यादा सीटें थीं जिन पर भाजपा ने जो उम्मीदवार खड़े किए थे उस पर आरएसएस सहमत नहीं था। दूसरी बात ये भी थी कि भाजपा के जो जिला संगठन हैं, जिला इकाइयां हैं, उनमें आरएसएस के कार्यकर्ताओं को महत्व नहीं दिया गया। इस वजह से भी चुनावों में जो मुद्दे थे उनको भी इग्नोर किया गया। आरएसएस ने यह भी कहा जा रहा है कि ईडी, सीबीआई इन सब का उपयोग विपक्षी दलों के प्रति न करने का एक सुझाव दिया था। अब इस बारे में कोई पक्की बात नहीं कही जा सकती कि आरएसएस ने ऐसा कहा था, इस बात का अनुमान लगाया जा रहा है जो मीडिया में, जो विभिन्न चैनलों में, जो पोर्टलों में, सोशल मीडिया पर जो है उसके आधार पर ये कहा जा रहा है कि आरएसएस ने इस तरह का सुझाव दिया था कि जो विपक्षी दल हैं उनके प्रति आप इस तरह का व्यवहार ना करें। उनको टिकट बंटवारे पर भी जो था वो बता ही दिया आपको कि कई सीटों पर वो सहमत नहीं थे, तो इस वजह से भाजपा को हार झेलनी पड़ी। अब माना यह जा रहा है कि जो कल मुलाकात होगी उस दौरान प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में संघ और योगी एक साथ मिलकर के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, जो आरएसएस की विचारधारा है उसको आगे ले जाएंगे। योगी और मोहन भागवत की मुलाकात के बाद यह कयास लगाया जा रहा है कि योगी को आगे करके उनको मजबूत किया जाएगा। मजबूत इसलिए भी किया जा सकता है क्योंकि योगी और मोहन भागवत जो आरएसएस प्रमुख हैं वो लगभग एक जैसा सोचते हैं। मोहन भागवत के किसी भी बयान में आपने नहीं देखा होगा कि वो हिंदू मुसलमान, उनका कहना है कि ये जो कायनात है, जो देश है हमारा, इस पर जो भी है वो सब भाई भाई हैं। वो किसी भी धर्म के हों, जात के हों, हिंदू तो एक जीवन शैली है और जो भी इस देश में है वो हिंदू है, उसका धर्म अलग अलग हो सकता है। जहाँ तक मैं जानता हूँ गोरखपुर में जो योगी जिस मठ के वो हैं वहाँ कहा यह जाता है कि जो मठ है उस मठ के इर्द गिर्द जो भी लोग रहते हैं 2-4-10 गांवों में 10-12 किलोमीटर के दायरे में, उनके यहाँ जब भी शादी ब्याह होता है तो जो पहला कार्ड है वो मठ को आता है, वो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, ऐसा वहां के आम लोग भी इस बात को कहते हैं। मठ का जो सर्वे सर्वा होता है, जैसे आजकल योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनमें यह भेदभाव नहीं होता, मठ इस बात को भेदभाव नहीं करता कि हिंदू है या मुसलमान है। जो मठ के इर्द गिर्द जो दुकानें हैं उनमें भी हिंदू भी हैं मुसलमान भी हैं। आरएसएस और योगी के वैचारिक उस पर दोनों एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं वैचारिक रूप से।
इसलिए यह भी संभव है कि जैसा हमने पहले ही कहा कि योगी को आगे करके मोहन भागवत आरएसएस उत्तर प्रदेश में अपनी शाखाओं का विस्तार कर सकता है। और तो जो कल 15 जून को कल जो बैठक होगी कल यानी 15 जून को योगी आदित्यनाथ और मोहन भागवत की जो बैठक होगी उसमें क्या बातें होंगी ये निकल कर जब आएगी तो हम आपके साथ एक बार फिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसको लाइक कीजिए, उसको शेयर कीजिए। धन्यवाद।